लव कटारिया की लगा दी है बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में आते ही क्लास। लव कटारिया के बारे में अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो है काफी ज्यादा मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है लव कटारिया को जोकर ही बोल रहे हैं, पर अगर सीधी सी बात मैं बोलूँ तो भाई मुझे लव कटारिया बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा है। कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत याद जो है एल्विश यादव की ज़रूर दिला रहा है, हालांकि पर्सनैलिटी से नहीं, आवाज़ से, बातों से, और एल्विश यादव से ज़्यादा एंटरटेनिंग लव कटारिया लग रहा है मुझे अब तक। आपका क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो जैसे कि सना सुल्तान को फ़ोन दिया गया है और सना सुल्तान के पास जो है बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन आएगी और सब पता चलेगा कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं क्या नहीं कर रहा है, तो काफ़ी एक अलग सा माहौल जो है घर के अंदर बन पाएगा। हालांकि सना सुल्तान क्या करेगी ये तो उसी के ऊपर डिपेंड है। वहीं पर जो है लव कटारिया के साथ साथ सब लोगों को ब्रीफ केस दे के फ़ोन दे दिया। कन्फेशन रूम में बुलाने के बाद जो है पूछ लिया बिग बॉस ने कि भाई क्या कैसा रहा है आपका दिन, तो बोले बड़ा अच्छा रहा है, मेरा बडी बना है, जो है पांडे जो है मेरा बडी बना है, तो अभी विशाल पांडे जो विशाल पांडे जब मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई अगर कोई मेरे साथ रहता है तो लोगों को उंगलियां करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बिग बॉस ने अचानक ये बोल दिया कि मतलब कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो बोला नहीं नहीं कर तो सकते हैं, तो फिर आपने अब तक क्या किया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लव कटारिया के सब्सक्राइबर्स जो है काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब पर लव कटारिया का नाम जो है तभी सामने आया जब एल्विश जो है बिग बॉस OTT सीजन 2 में आए। हालांकि एल्विश यादव का नाम तो काफ़ी ऊंचा हो चुका है पर लव कटारिया का नाम उसी के साथ जुड़ा और दोस्त के कारण जो है उसका नाम जो है सामने आया, ना कि अपने कंटेंट, ना कि अपने किसी टैलेंट की वजह से, कुछ भी ऐसा चीज़ सामने नहीं आई। तो वहीं पर जो है लव कटारिया का फेस जो है थोड़ा सा डाउन गया कि भाई बिग बॉस ने ऐसा क्या बोल दिया। बिग बॉस ने कहीं ना कहीं बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा था, पर फ़ोन जो है आप लेके जाओ। अभी फ़ोन जो है वहाँ पर जिस तरीके की कन्वर्सेशन जो है लव कटारिया और बिग बॉस के बीच में हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी लव कटारिया की बातें जो है, और लव कटारिया ने बोल भी दिया है कि अच्छा ठीक है ये फ़ोन है तो यहाँ पर डाल लूँ क्या, नहीं तो ये लटकेगा यहाँ पर, तो काफ़ी एंटरटेनिंग था। तो पासपोर्ट भी दे दिया है और ख़ास बात ये है कि बिग बॉस ने ये चीज़ बोली है कि भाई इसमें एक एप्लीकेशन है, इसकी सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। माइक के साथ जो है आपको ये भी माइक के जैसा जो है फ़ोन आपको गले में डाल के रखना पड़ेगा। इसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, कुछ ना कुछ मैसेजेस वगैरह मैं समय समय पे भेजता रहूँगा, पर आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, और टाइम टाइम पे जो है आप कंटेस्टेंट के साथ भी बात कर सकते हैं, पर वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अभी ये सब चीज़ें इसलिए क्रिएट की गई है सना सुल्तान को बचाने के लिए कि सब लोग, अगर सना सुल्तान के पास फ़ोन रहेगा तो उसको छुपाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि छानबीन तो भाई इस घर में सब लोग करते ही हैं, तो सब लोगों को क्यों ना फ़ोन दे दिया जाए। और पास कोड के साथ दे दिया गया है, लॉक के साथ दे दिया गया है कि कोई भी अगर किसी का फोन देखना भी चाहे तो वो देख ना पाए, क्योंकि उसके पास उसका पास कोड होगा, और ये पास कोड जो है वो बिग बॉस ने ऑलरेडी दिया है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, पर आप अपना बताइए कि आपका क्या कहना है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।